नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेट पर टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं रीवा के एनसीसी मैदान में, जहां रीवा के इतिहास में पहली बार, जी हां पहली बार, इसलिए कोरोना काल के पहले यहां पर मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता होती थी, अमूमन ये पूरे देश में होती है। मटकी चुरा कर भागना, वो भी माखन के साथ, पहली बार यहाँ पर हुआ। ये कारनामा किया है। आप इस समय जिनको टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन लोगों को आज मैं इन्हीं से बात करूंगा, आखिर हिंदू उत्सव समिति को ये आइडिया आया कैसे। हमारे संरक्षक आदरणीय नारायण डिगवानी जी ने हम सब बच्चों से कहा कि जन्माष्टमी को बहुत अच्छे रूप में मनाना है, और उन्होंने ही मार्गदर्शन दिया कि इस तरह का एक कार्यक्रम रखिए, और हम लोगों ने सारे, हमारी नौजवान पीढ़ी और हमारे साथियों ने, हिंदू उत्सव धर्म परिवार के वो सारे सदस्य जो सक्रिय रहते हैं, और ये आयोजन कर दिया। एक सवाल मेरा हो, पहली बार एक अनूठा कार्यक्रम रीवा में, क्या ये माना जाए कि ये सिलसिला भविष्य में भी बरकरार रहेगा? आदरणीय जावेद भाई, इससे पहले भी कोरोना काल के पहले हम लोगों ने यहाँ पतंग प्रतियोगिता की और गिप्पी गेंद प्रतियोगिता की, और गिप्पी गेंद के समय भी मैंने आपसे कहा था कि एक जिम्मेदारी मुझे हिंदू उत्सव धर्म परिवार की, जो मुझे अध्यक्ष के रूप में मिली है, आने वाले समय में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आने वाले समय में गुल्ली डंडा भी देखने को मिलेगा, गड़ा गेंद भी देखने को मिलेगा, हमारा सब यह सब प्रयास होगा। लेकिन कोरोना आ जाने की वजह से और कोविड के नियमों को देखते हुए हिंदू उत्सव धर्म परिवार समाज सेवा में लगा रहा। जो हमारे परिजन पीड़ित थे, दुखी थे, और कहीं उन्हें अव्यवस्था नहीं मिल पाई थी, हम सब सारे लोग हिंदू उत्सव धर्म परिवार के लोग उन कोविड के महामारी से जो उलझ रहे थे, उनको सुलझाने में लगे हुए थे। इस कारण ये आयोजन किसी कारण नहीं हो पाए थे। कोविड की वजह से हम बहुत कुछ हमने सोचा था रीवा में नया करने के लिए, पुरानी ऐतिहासिक परंपराओं को एक बार फिर से सहेजने के लिए। हालांकि अब कोविड का दौर खत्म हो गया, हम चाहेंगे एक बार वो दौर फिर से लौट के आए। जैसा कि आप हिंदू उत्सव समिति के संरक्षक भी हैं और लगातार इस तरीके के आयोजन करते रहते हैं, अब आगामी क्या योजना है, जो तत्काल ही, जैसा कि अभी आपके अध्यक्ष जी ने बताया, बहुत कुछ होने वाला है। हमारी अगली जो आगामी योजना है, गणेश उत्सव पे सोच रहे हैं, अगर शासन द्वारा छूट दी गई तो फिर हम बहुत उसको अच्छे से मनाएंगे, नहीं या फिर सांकेतिक रूप से भी इस तरीके से मनाएंगे कि जिसका लाभ आम जनता को मिले, भक्तजनों को मिले, आम जनता को मिले, लाभ भक्त जनों को मिले, रीवा में सुख शांति समृद्धि हो, इस तरीके के आयोजन होंगे। साथ ही पुरानी ऐतिहासिक परंपराओं को हम जीवित रखेंगे। बच्चों आप लोग तैयार हो दौड़ने के लिए? छोटे छोटे वाले नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले हमारी बात पे, अपनी मटकी लेके दौड़ेंगे। जब मैं 1-2-3 स्टार्ट बोलूंगा, वहां पे जाना है, उस मटकी के अंदर मक्खन का पाउच रखा है, उस मक्खन को निकाल के अपनी मटकी में डालना है और वापस आना है। जितना जल्दी मटकी से मक्खन निकाल के अपनी वापस आएंगे तो आप जीत जाएंगे। सब देख चुके हैं ना, स्टार्ट करेगा मक्खन वहाँ आ गए मटकी में। ओके, कमरे स्टार्ट करेंगे, 1-2-3 स्टार्ट। बहुत ही शानदार, जोरदार ताली होनी चाहिए बच्चों के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, जोरदार तालियां। मटकी वापस लाएं और मक्खन अपने पास रखें। हमारे बड़े बड़े करके सारे बनर आ रहे हैं सामने। पहली बार रीवा में जो प्रतियोगिता हुई, माखन मटकी में भरकर भागने की, चुराकर, सांकेतिक रूप से उस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। हमारे साथ ये चार यहाँ पर विनर मौजूद हैं, हम इन चारों से बात करेंगे। पहली बार ये प्रतियोगिता हुई, आपने भाग लिया और आप जीते, क्या लग रहा, किस तरीके से आपको, कैसा महसूस हुआ? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमने हिंदू परिषद पर पार्टिसिपेट किया, काफ़ी अच्छा लगा, और इस समिति पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद देना, बताइए ये माखन चुरा के आप भागे तो क्या आपको लग रहा था आप जीत जाएंगे? जी लग तो रहा था, क्योंकि अब जब कॉन्फिडेंस रहता है तभी तो इंसान जीतता है ना, तो ये पहली बार हुआ तो हमें भी बहुत खुशी है, जीत कर भी।
इसलिए पहली बार हुआ, जीत कर खुशी हुई। पहली बार इस प्रतियोगिता हुई, यहाँ दो लड़कियों ने भी भाग लिया और दोनों को यहाँ पर इनाम भी मिला। आप रनर अप रहीं, जिस तरीके से आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, क्या आपको लग रहा था कि आप जीत भी सकती? बिल्कुल, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती थी डेली दौड़ने की, क्योंकि मुझे पुलिस वगैरह पे भी करना है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करती थी, इसलिए मैंने किया, दौड़ा, इसलिए जीत गई मैं। आप विनर हैं, आपको यहाँ पर पुरस्कार भी मिला, नगद राशि भी मिली, पेड़ भी मिला। अब आप बताइए, जिस तरीके से प्रतियोगिता के शुरू के पहले जिस पहला आयोजन था यहाँ पर, तो पूरी प्रतियोगिता के बारे में क्या कुछ आपकी कही? मैं बोलना चाहूँगी कि पहली बार अच्छा लगा कि चोरी करने पे फर्स्ट प्राइज मिला है, एंड आप लोग को हैप्पी जन्माष्टमी, और अच्छा लगा फर्स्ट कॉम। पहली बार चोरी करने पर इनाम मिला, ये अपने आप में एक विनर ने इस तरीके से बात की। हालांकि ये एक सांकेतिक चोरी थी, लेकिन जिस तरीके का ये आयोजन था अपने आप में अनूठा आयोजन था, और उस अनूठे आयोजन में यहाँ जितने भी लोगों ने भाग लिया उन सबको न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।